नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें भक्त कवि सूरदास जी के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भक्त कवि सूरदास जी के सूर सागर ग्रंथ में संकलित वात्सल्य और गोपी प्रेम शीर्षक से पदों की व्याख्या की जा रही है। आज हम एक पद वात्सल्य का पढ़ेंगे और एक पद गोपी प्रेम से हम लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम वात्सल्य शीर्षक से एक पद को लेते हैं। देखिए, माता यशोदा को श्री कृष्ण जी किस प्रकार से शिकायत करते हैं, इसके पदों की व्याख्या हम विगत वीडियो में कर चुके हैं। आज अब इस पद में प्यारे विद्यार्थियों, माता यशोदा का चिंता हो रही है कि कृष्ण के ऊपर इस प्रकार के जो है कंस के द्वारा और कई प्रकार के राक्षस वो आक्रमण करते हैं, एक तरह से उनको मारने की चेष्टा करते हैं और हर बार कृष्ण बच जाते हैं। और इसी संदर्भ में माता यशोदा चिंता व्यक्त करती हुई कहती है कि हे लल्ला, हे पुत्र, तुम कहीं दूर मत खेलने जाना। तो देखते हैं, पहले पद को पढ़ लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, खेलने खेलने दूरी जाते कत प्यारे, खेलने दूरी जाते कत प्यारे, जब ते जन्म बयो है तेरो, तब ते यह भांति ललारे, कुआवती झुवती मिस करके, कुल जात बतास कलारे, अब लगी बचे कृपा देवन की, बहुत गए मरी शत्रु तुम्हारे, हाँ हाँ करती पाय तेरे लागती, अब जन दूरी जाऊँ मेरे प्यारे, सुनऊँ सूर जसुमति सुत बोधती, सुनऊँ सूर जसुमति सुत बोधती, विधि के चरित सबे हैं न्यारे, खेलन दूरी जात कत प्यारे। तो यहाँ पर इस पद में माता यशोदा की चिंता व्यक्त हुई है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के वात्सल्य शीर्षक से अवतरित है और इसमें माता यशोदा वात्सल्य भाव से भर करके पूरित होकर के अपने लाडले श्री कृष्ण को समझाती हुई कह रही है। देखिए, समझा रही है कुछ, देखिए किस प्रकार से कि खेलन दूरी जात कत प्यारे। खेलन मैंने खेलने के लिए, दूरी मैंने दूर, जात मैंने जाते हो, कत मैंने क्यों, प्यारे मैंने प्रिय। हे मेरे प्रिय पुत्र, माता यशोदा सूरदास जी वर्णन करते हैं कि माता यशोदा अपने लाडले श्री कृष्ण को समझाते हुए कह रही है कि हे प्रिय लाल, तुम दूर खेलने के लिए क्यों जाते हो, कत मैंने क्यों, प्यारे मैंने प्रिय। हे प्रिय पुत्र, तुम दूर खेलने के लिए क्यों जाते हो, क्योंकि तुम्हें दूर जा तुम जब दूर खेलने जाते हो तो कुछ न कुछ खतरा होता रहता है, इसीलिए तुम दूर खेलने मत जाया करो। क्योंकि माता यशोदा कह रही है कि जब ते जन्म बयो है तेरो, प्यारे विद्यार्थियों, जब ते मैंने जब से, जन्म मैंने जन्म, भयो मैंने हुआ है, तेरो मैंने तुम्हारा। माता यशोदा श्री कृष्ण से कह रही है कि हे लल्ला, हे पुत्र, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब ही ते ये भांति ललारे, तब ही ते मैंने तब से, ते का अर्थ होता है से, तो तब से ये भांति भांति मैंने अनोखे, ललारे मैंने अनुभव हो रहे हैं या कुछ न कुछ अनोखा घट रहा है तुम्हारे साथ, ऐसी अनोखी घटनाएं तुम्हारे साथ हो रही है। तो माता यशोदा कहती है कि हे लल्ला, हे पुत्र, हे कृष्ण, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तुम्हारे संबंध में कुछ अनोखा अनुभव कर रही हूँ, कुछ अनोखी घटनाएं हैं तुम्हारे साथ हो रही है, ये सब मैं देख रही हूँ और इन बातों को देख करके लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हो रही है। कौं आवती जुवती मिस करके और कौं ले जात बतास कलारे। प्यारे विद्यार्थियों, कौं मैंने कोई, आवती मैंने आती है, जुवती का अर्थ होता है युवती, जुवती मैंने युवती, और मिस का अर्थ होता है बहाना या रूप धारण करके, करके मैंने करके, तो कोई तो कंस द्वारा भेजी गई जो पूतना है वह श्रेष्ठ युवती का रूप धारण करके तुम्हें मारने के लिए आती है। माता यशोदा कहती है कि कृष्ण, कोई तो कंस द्वारा भेजी गई ये पूतना जो श्रेष्ठ युवती का रूप धारण करके आती है, और कौं ले जात बतास कलारे, और कोई तुम्हें कंस द्वारा भेजे गया जो तृणावर्त राक्षस था उसकी तरह
आकाश में उड़ा करके ले जाता है। कौ ले जात मने कौ मने कोई, ले मने ले करके, जात मने जाता है, कोई उड़ा करके ले जाता है। बतास कलारे, बतास मने आकाश में उड़ा करके ले जाता है। अब आकाश में कौन उड़ा करके ले गया था, ये जब हम श्री कृष्ण लीला की घटनाओं को हम देखते हैं पढ़ते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि कृष्ण के कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस था तृणावर्त। तो तृणावर्त है वह कृष्ण को आकाश में बम्बूले के रूप में उड़ा करके ले जाता है। तो यह माता यशोदा कह रही है कि कोई तुम्हें तृणावत राक्षस की तरह बम्बूले के रूप में उड़ाकर आकाश में ले जाता है। तो इस प्रकार से वह बहुत अधिक भयभीत सी रहती है। माता यशोदा कहती है कि मैं बहुत भयभीत होती रहती हूँ तुम्हारे साथ इस प्रकार की घटनाओं को देख करके, मैं बहुत भयभीत रहती हूँ। और आगे क्या लिखते हैं, आगे सूरदास जी लिखते हैं कि अब लगी बचे कृपा देवन की, बहुत गए मरी शत्रु तुम्हारे। माता यशोदा कहती है कि अब लगी मन अब तक, अब लगी, लगी का मतलब तक, अब तक, अब लगी का मतलब गया अब तक, बचे कृपा देवन की मने देवताओं की कृपा से ही तुम बच पाए हो। हे लल्ला, हे पुत्र श्री कृष्ण, तुम अब तक देवताओं की कृपा से, ऐसी घटनाओं से, ऐसे शत्रुओं से तुम बच पाए हो। और बहुत गए मरी शत्रु तुम्हारे, तुम्हारे बहुत सारे शत्रु मारे गए हैं। बहुत गए मने मारे गए हैं, मरी शत्रु तुम्हारे, मरी शत्रु तुम्हारे मतलब बहुत सारे शत्रु तुम्हारे मारे गए हैं। इस क्रम में तुमने बहुत सारे शत्रुओं को मारा है, बहुत सारे शत्रु जो है मर गए हैं। वो तुम्हारे तो जो एक तरह से बचे हुए हो वो सब देवताओं की कृपा से ही अब तक तुम बचे रहे हो, नहीं तो तुम्हारा कब का अस्तित्व खत्म हो जाता। हाँ हाँ करत पाय तेरे लागती, अब जनी दूर जाऊँ मेरे बारे, बारे मने पुत्र, देखिए हाँ हाँ मने हाय हाय, करती मने करती हूँ, पाय मने पैरों को, तेरे लागती मने तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ या तुम्हारे पैरों में लग करके तुम्हें सावधान करती हूँ कि अब जनी, अब मने, अब जनी मने तक दूरी जाऊँ मेरे बारे के, अब तुम कहीं दूर खेलने, दूरी मने दूर, जाऊँ मने जाओ मेरे बारे मने मेरे पुत्र कि हे मेरे पुत्र अब तुम दूर खेलने मत जाना तुम्हारे में। ये बात माता यशोदा चिंता व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं हाय हाय करती हुई यथा तो दुख व्यक्त करती हुई और तुम्हारी ममतावश मैं तुम्हारे पैरों में पड़कर तुम्हें सावधान करती हूँ कि तुम अब दूर मत खेलने जाना। सुनऊँ सूर जसुमति सुत बोधती, प्यारे विद्यार्थी यहाँ कह रहे हैं सूरदास जी, सुनऊँ मैंने सुनते हैं, सूर मैंने, सूरदास जी कह रहे हैं कि सुनऊँ जसुमति सुत बोधती, बोधती मैंने समझाती है, सुत मैंने बेटे को यानी श्री कृष्ण को, जसुमति मैंने यशोदा की, यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण को सावधान करती है, समझाती हुई कहती है कि विधि के चरित सबे हैं न्यारे, विधि मैंने विधाता के चरित मैंने चरित सबे हैं मैंने सभी न्यारे मैंने अनोखे हैं कि विधाता के खेल विधाता के चरित बहुत ही अनोखे हैं इसीलिए तुम दूर खेलने मत जाना। तुम अपने शत्रुओं से इस कारण से तुम अपने अब तक अपने शत्रुओं से बच पाए हो इसलिए तुम्हें मेरी सौगंध है कि तुम दूर खेलने मत जाना। इस प्रकार से माता यशोदा श्री कृष्ण को समझाती है और चिंता व्यक्त कर रही है कि तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी अनोखी घटनाएं हो चुकी है, इतने सारे शत्रु तुम्हें तुम्हारे ऊपर वार कर चुके हैं और ये सब जो कृपा देवताओं की कृपा से तुम अब तक बच पाए हो इसीलिए अब तुम दूर खेलने मत जाना। तो विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि माँ की ममता की सहज अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। और आप क्या लिख सकते हो, कृष्ण के जीव हरण हेतु जो है पूतना का और तृणावत के प्रयासों की ओर यहाँ पर संकेत करके माता यशोदा ने दूर खेलने के लिए कृष्ण को मना किया है। जैसे पूतना के रूप में बन करके आई और जहरीला जो दुग्ध पान वो कराना चाहती थी, इस प्रकार से पूतना श्री कृष्ण को श्री कृष्ण की हत्या करना चाहती थी, उनको वध मारना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उसका ही वध कर दिया, पूतना का तृणावत को भी मार दिया। तो इस प्रकार की घटनाओं से माता यशोदा उनको दूर खेलने जाने के लिए मना करती है। अनुप्रास और अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग प्यारे विद्यार्थी उसमें किया है यहाँ पर इस पद में, अर्थांतरन्यास और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग वो किया गया है। भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से यह
पद हुआ, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला पद देखते हैं गोपी प्रेम से। देखिए, हरि मुख विदु मेरी अखियाँ चकोरी, हरि मुख विदु मेरी अखियाँ चकोरी, राखे रहती ओट पट जतननी, राखे रहती ओट पट जतननी, तउन मानती कितिक निहोरी, तउन मानती कितिक निहोरी, हरि मुख विदु मेरी अखियाँ चकोरी, बर बस ही इन गई मूडता, बर बस ही इन गई मूडता, प्रीत जाए चंचल सोजोरी, बिबस भई चाहती उड़ी लागन, अटकती ने कुंजन की डोरी, बर बस ही इन गई चपलता, करत फिरत हम हूँ सो चोरी। सूरदास प्रभु मोहन नागर, सूरदास प्रभु मोहन नागर, बरसी सुदारस सिंधु जकोरी, हरि मुख विदु मेरी अखियाँ चकोरी, हरि मुख विदु मेरी अखियाँ चकोरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है वो गोपी प्रेम शीर्षक से अवतरित है। तो प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ के गोपी प्रेम शीर्षक पद शीर्षक से अवतरित है। और इसमें कोई गोपी है वो रसिक श्री कृष्ण जी की के प्रति, श्री कृष्ण जी की रूप छवि के प्रति आसक्त हो जाती है, और आसक्त हो करके अपनी आँखों के संबंध की स्थिति को, अपनी आँखों की स्थिति का जो है चित्रण करती हुई कहती है आँखों का किस प्रकार से आसक्त हो गई है श्री कृष्ण के रूप माधुरी में, उसका वर्णन करती हुई क्या कह रही है। देखिए, गोपी सूरदास जी कहते हैं, भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं, हरि मुख विदु मेरी अखियाँ चकोरी। गोपी क्या कह रही है? गोपी कह रही है हरि, हरि मने श्री कृष्ण, मुख मने हरि श्री कृष्ण के मुख, विदु का अर्थ होता है चंद्रमा, कि श्री कृष्ण जी का मुख तो चंद्रमा के समान है। श्री कृष्ण जी का मुख है वो किसके समान बताया है? श्री कृष्ण जी का मुख चंद्रमा के समान है। तो श्री कृष्ण जी का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। और गोपी की जो आंखें हैं वो चकोर पक्षी के समान है। गोपी की आंखें चकोर पक्षी के समान है, और वह गोपी नित्य प्रति श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी छवि को देखती रहती है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हरि मुख विदु मेरी अंखियां चकोरी। गोपी कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान है, और मेरी जो आंखें हैं वो चकोर पक्षी के समान निरंतर, जैसे चकोर पक्षी निरंतर चंद्रमा को देखता रहता है, एकटक चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार से मेरी अंखियां, मेरी आंखें मेरे वशीभूत नहीं है और चकोर पक्षी के समान श्री कृष्ण को देखती रहती है, उनके मुखमंडल को, चंद्रमा रूपी मुखमंडल को देखती रहती है। देखिए, गोपी कहती है कृष्ण चंद्र, कृष्ण का मुख तो चंद्रमा के समान, और मेरी आंखें चकोर पक्षी के समान आसक्त होकर के श्री कृष्ण के चकोर चंद्रमा को, चंद्रमा रूपी मुख को देखती रहती है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को एक टक देखता रहता है, ऐसे मेरी आंखों को जो है आदत पड़ गई है श्री कृष्ण के रूप माधुरी को देखने की।
अब देखिए कि राखे रहती ओटपट जतननी तऊन मानती कितिक नी होरी, अर्थात राखे का अर्थ होता रखती हूँ, रहती मैंने रहती हूँ, राखे मैंने रखती रहती हूँ। ओटपट, ओटपट का मतलब यहाँ आँखों की पलकों रूपी ओट वस्त्र, ओटपट, ओटपट का मतलब ओट रूपी वस्त्र, ओटपट का मतलब हो गया ओट रूपी वस्त्र। अब वस्त्र कौन से हैं यहाँ पर, गोपी की पलकों रूपी, गोपी की पलकों रूपी वस्त्र को मैं ढकती हुई रहती हूँ। फिर भी क्या है, फिर भी देखिए गोपी कहती है कि राखे रहती ओटपट जतनी, जतनी मतलब यत्न पूर्वक, बड़े प्रयास पूर्वक मैं इन आँखों की पलकों रूपी वस्त्रों को ढकी रहती हूँ। तऊ न मानती, तो भी मेरी आंखें मानती नहीं है, तऊ मैंने तो भी, न मैंने नहीं, मानती मैंने मानती है, कितिक निहोरी, कितनी निगोनी का मतलब निगोड़ी है, अभागी है, क्या करूँ, कितनी निगोड़ी है, मानती ही नहीं है कि आंखें बार बार श्री कृष्ण की रूप छवि को देखना चाहती है, आसक्त है श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देखने में, इतनी आसक्त है कि मैं इन पलकों को, पलकों रूपी वस्त्रों से इस आंखों को ढकती रहती हूँ, तो भी ये आंखें मानती नहीं है, मेरा कहना नहीं मानती है, मैं विवश हूँ। और बरबस ही इन गही मूढ़ता प्रीति जाए चंचल सो जोरी, अर्थात बरबस मैंने विवशता के साथ विवश हूँ, विवश, बरबस का मतलब होता है विवशता ही, इन गही, इन मैंने इन आँखों ने, गही का अर्थ होता है ग्रहण किया या पकड़ना, गही का मतलब ग्रहण करना या पकड़ना, मूढ़ता मैंने मूर्खता कि मेरी इन आँखों ने मूर्खता को ग्रहण कर लिया है, कितनी मूर्ख हो गई है मेरी आँखें, इन आँखों ने मूर्खता को ग्रहण कर लिया है। प्रीति जाय चंचल सू जोरी, प्रीति मैंने प्रेम, जाय मैंने जाकर के, चंचल का अर्थ होता है नटखट, अब नटखट कौन है, श्री कृष्ण है कि चंचल से जोरी मैंने नटखट श्री कृष्ण जी, सो मैंने से जोरी मैंने जोड़ ली है, अर्थात इन आँखों ने इतनी विवश हो गई है कि इन प्रीति श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी में प्रेम में आसक्त होकर के इन्होंने मूर्खता को ग्रहण कर लिया है, और ऐसे चंचल नटखट श्री कृष्ण जी से प्रीति की डोर है वो जोड़ ली है, प्रीति जोड़ ली है, प्रीत करने लग गई है, प्रेम करने लगी है, तो इन्होंने नटखट श्री कृष्ण से प्रीति जोड़ ली है। आगे देखिए, विवश भई चाहती उड़ी लागन, विवश मैंने विवश होकर के, भई मैंने हो गई है, भई का अर्थ होता है हो गई है प्यारे विद्यार्थियों, चाहती मैंने चाहती है, उड़ी लागन मैंने उड़ने लगी है कि मेरी आँखें तो इतनी विवश हो गई है, इतनी मजबूर हो गई है कि अब तो ये उड़ना ही चाहती हैं, अभी आंखें गोपी करी आंखें तो अब विवश होकर के उड़ना ही चाहती हैं। यहाँ पर ये बात कही है, देखिए मेरे विद्यार्थियों, श्री कृष्ण जी के रूप माधुरी, रूप सौंदर्य के प्रति इतनी आकर्षित हो गई है कि इन्होंने इतनी चंचलता धारण कर लिखी है कि अब तो आंखें उड़ना ही चाहती है, विवश होकर के उड़ जाना चाहती है। और करत अटकती नेकु अंजन की डोरी, गोपी कह रही है कि अटकती मैंने अटक जाती है, केवल नेकु मैंने केवल, केवल इसीलिए अटकती है, अंजन की डोरी मेरे आँखों के अंजन, मेरे काजल के डोरी से ही ये केवल अभी अटकी हुई है, बाकी आँखें तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी में उड़ जाना चाहती है, उनके रूप माधुरी को देखते देखते उनकी तरफ उड़ जाना चाहती है, केवल ये अंजन की डोरी से अटकी हुई है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ गया होगा, अंजन की डोरी से अटकी हुई है। सूरदास बरबसी इन गही चपलता और करत फिरत हमहूँ सो चोरी, गोपी कह रही है कि भाई ये तो मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानती यहाँ के, बरबस ही इन गही चपलता, बरबस मैंने बरबस ही विवश होकर के ही, बरबस ही अचानक से ही इन गही मैंने पकड़ी, ग्रहण की है चपलता मैंने चंचलता, ये श्री कृष्ण जी के सौंदर्य की ओर मुग्ध होकर के, सौंदर्य की तरफ मुग्ध होकर के, उनके प्रति आकर्षित होकर के इन्होंने चंचलता को धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया। चपलता गही का अर्थ हो गया ग्रहण करना, धारण करना, चपलता मैंने चंचलता कि ना कोने बरबस ही चंचलता को धारण कर लिया है। करत फिरत हमहूँ सो चोरी, अब तो ये आँखें हमसे ही चोरी करने लगी है, गोपी कह रही है करत मैंने करती है, करत फिरत हमहूँ सो चोरी, हमसे ही ये चोरी करने लग गई है, अब तो हमारी आंखें हमसे ही चोरी करने लग गई है।
तो ये चोरी छिपे मेरे मना करने पर भी चोरी छिपे श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी को देखने का प्रयास करती है, उनकी रूप माधुरी के प्रति आकर्षित होती रहती है, उनको देखती रहती है। तो इस प्रकार से ये हमसे ही चोरी करने लगी है। गोपी कहती है आगे, सूरदास जी कह रहे, सूरदास प्रभु मोहन नागर बरसी सुदारस सिंधु जकोरी। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वह गोपी करने लगी कि प्रभु मोहन नागर, कि मेरे प्रभु मोहन नागर मने मन को मोहने वाले कृष्ण, नागर मने चतुर है वे मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो मन को मोहने वाले बड़े चतुर हैं। और सुधा बरसी सुदारस सिंधु जकोरी, बरसी मने वर्षा करते हैं, बरसाते हैं, सुधा का अर्थ होता है अमृत रस, मने रस अमृत रस। अमृत रस कौन सा हो गया यहाँ पर? प्रेम रूपी अमृत रस, प्रेम रूपी अमृत रस की वर्षा करते हैं वे श्री कृष्ण। प्रेम मेरे श्री कृष्ण है वो मन को मोहने वाले चतुर श्री कृष्ण जी प्रेम रूपी अमृत रस की वर्षा करते हैं। और क्या करते हैं? सिंधु जकोरी, और वे अपने प्रेम अपने प्यार के सागर में झोंका देखते रहते हैं, गोते लगाते रहते हैं। जकोरे मैंने गोते लगाना, झोंका देना। तो वे मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी मुझे अपने प्रेम भक्ति रूपी प्रेम रश्मि आनंद में झोंका सागर में झोंका देते रहते हैं, गोता खिलाते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से गोपी की अनन्य भक्ति भावना भी यहाँ व्यक्त हुई है प्यारे विद्यार्थियों। एक निष्ठ भक्ति भावना यहाँ का भाव व्यक्त भी हुआ है, और श्री कृष्ण गोपी की आंखें केवल श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रति आसक्त ही रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, गोपी की कृष्ण के प्रति प्रेमाशक्ति का चित्रण किया गया है, बड़ा सहज स्वाभाविक वर्णन किया गया है, रूपक उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये अलंकार आप लिख देना, भाषा ब्रज है ही, ध्यान रखना भाषा है ब्रज भाषा। तो इस प्रकार से ये भी आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ में संकलित गोपी प्रेम शीर्षक से आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन दोनों पदों की व्याख्या को ठीक प्रकार से पढ़े, नोट्स बनाए और इनको याद करिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।